अनशन पे बैठ जाएंगे, अपनी सरकार और अपने आप ही अनशन पे बैठ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। समस्याओं का हल आतिशी ने निकालना है, पर वो समस्याओं को लेके जमीन पे बैठ रही है, तो जमीन से हल निकलेगा क्या? हरियाणा सरकार ने पानी रोक रखा है, ये जब तक वहाँ से नहीं निकलेगा तो दिल्ली कैसे पहुँचेगा? भैया अरविंद केजरीवाल को फेक बता रहे। अरे अरे सुन लो, देखिए ये आरोप लगाए भाग गए। जो झूठ बोल रहा है वो फंसेगा, जो सच्चाई बोल रहा है वो जीतेगा। दोनों तरफ से हो रही है, मर आम जनता रहा है। मैं क्या हकीकत बताऊं, मेरे घर में खुद 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। आप बताइए। हेलो, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, इस समय हेल्प करनी चाहिए, ना कि मटके फोड़ने चाहिए। फ्री करेंगे तो पानी बहाएंगे लोग, फ्री में बहाएंगे पानी, बिल आएगा तो कम से कम संभाल के बरतेंगे। पंजाब में सरकार आपके भगवंत सिंह मान आपके पास है, आप वहाँ से पानी ले लो। दिल्ली के अंदर पानी का रोकने का कोई प्रस्ताव है ही नहीं, 1000 क्यूसेक पानी तो बीजेपी दे रही है दिल्ली को। इस वक्त जो है दिल्ली में राजनीति चल रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है। हकीकत यह है, दिल्ली की जनता पानी के लिए मर रही है, तड़प रही है। राजनीति कौन कर रहा है? हम राजनीति की कोई बात नहीं कर रहे जी, ये सब पक्ष विपक्ष चलता रहता है, आज नहीं चल रही राजनीति, पुरानी चल रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सिर्फ ये, आज दिल्ली की जनता प्यासी मर रही है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, इस समय हेल्प करनी चाहिए, ना कि मटके फोड़ने चाहिए। इस समय हेल्प करनी चाहिए जनता, कल को अगर हेल्प करनी चाहिए। जल मंत्री अनशन पे क्यों बैठी हुई है? इसलिए बैठी है कि कोई सुन नहीं रहा उनकी, उनका चीफ मिनिस्टर अंदर बैठा हुआ है, इसलिए नहीं सुन क्या करे वो। हरियाणा के जल सिंचाई मंत्री क्या बोलते हैं पता है? हम 700 क्यूसेक पानी दे रहे हैं दिल्ली को, जो है पर्याप्त मात्रा में पानी दे रहे हैं। आतिशी झूठ बोल रही है, ये हरियाणा के मंत्री साहब का करना है, जल मंत्री का। कोई भी मंत्री अपने लिए विपक्ष को नहीं कहेगा, अपने को अपने आप को सेव करेगा, विपक्ष को नहीं करेगा। आप समझ, इनका जो है फैसला ये है कि नारियल दूसरे के सर पे रख दो, फोड़ देंगे वो, हम तो अनशन पे बैठ जाएंगे, अपनी सरकार और अपने आप ही अनशन पे बैठ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। समस्याओं का हल आतिशी ने निकालना है, पर वो समस्याओं को लेके जमीन पे बैठ रही है, तो जमीन से हल निकलेगा क्या? इन्होंने क्या है, सारी लीकेज देखिए, कोई प्लानिंग नहीं करी इन्होंने। प्लानिंग जो है एक मिनट, इन्होंने बहुत, सुनिए मेरी पहले बात सुनिए, इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला, प्लानिंग। शीला दीक्षित की जब सरकार थी, प्लानिंग करते थे, पड़ोसी राज्यों में किसी की भी सरकार हो, समय से पहले वो संबंध इतना बेहतर कर लेते थे कि वो राज्य सरकार पानी देता था दिल्ली को, तब ऐसी समस्या कभी कभार ही आई होगी, नहीं तो नहीं आती थी। नहीं आई थी उस टाइम पे, तानाशाही नहीं थी देश के अंदर। आज के टाइम में जो विपक्ष है, अगर वो मटके फोड़ रहा है, मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि उन्हीं मटकों से लोगों को पानी पिलाओ, पुण्य कमाओ। ये नहीं है कि दिल्ली जब जल संकट में है उस पे भी आप राजनीति कर रहे हो। हरियाणा सरकार ने पानी रोक रखा है, ये जब तक वहां से नहीं निकलेगा तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? बीजेपी और हरियाणा सरकार कह रही है पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, किसी ने नहीं रोका। कोई पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा, ये सब कहने बदनाम करने का काम हो रहा है। ये देखिए एक मिनट, ये पढ़े लिखे अनपढ़ है, पढ़े लिखे अनपढ़ों की जमात। दिल्ली में और हरियाणा में एग्रीमेंट है 700 क्यूसेक पानी का, आज रिटर्न में और जो प्लेन पानी आ रहा है वो 1000 क्यूसेक पानी आ रहा है, 1000 क्यूसेक, 300 क्यूसेक जहाँ हरियाणा भाजपा की सरकार है वो ज्यादा पानी दिल्ली 12 जून तक का आंकड़ा है, 12 जून तक 1000 क्यूसेक मिला है दिल्ली। लेकिन अब ऐसे लोग टैंकर माफिया होंगे, वो इनके रिश्तेदार होंगे। असल मुद्दा ये है, टैंकर माफिया पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो टैंकर माफिया है दिल्ली के अंदर, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है बताओ? अब दिल्ली में केंद्र अभी मैं आपको ना एलजी क्यों बिठा रखा है, कार्यवाही कर। शीला दीक्षित, ये एक मिनट, सबसे बड़ा माफिया तो यही है। अरे भाई साहब, ये कौन है? अरविंद केजरीवाल। हाँ, ये क्या कह रहा है? ये पानी भैया अरविंद केजरीवाल को फेक बता रहे। अरे अरे सुन लो, देखिए ये आरोप लगाए भाग गए, आरोप लगाए भाग गए। ये आम आदमी पार्टी की पहचान है, देख लीजिए भाई, आरोप यही है, आरोप लगाएंगे भाग जाएंगे। 70 में 62 अगर विधायक दिल्ली चुनती है तो ये इसलिए नहीं चुनती कि आप अनशन पे बैठ जाइए, काम करने के लिए चुनती है। जिम्मेदार काम नहीं है अनशन पे, तो ये जब कांग्रेस की सरकार थी अल्लाह सारे ने इनको सिखा दिया अनशन पे बैठना कैसे है। अब एक चीज इन्होंने सीख ली, अब जब भी मौका मिले अनशन पे बैठ जाओ भैया, हमारी बात तो सुनी जाएगी। और दिल्ली सरकार को केंद्रीय सरकार से सिर्फ कुछ चीजों के अंदर मान्यता प्राप्त नहीं है, बाकी सारी चीजें
इनके पास अपनी इंडिया करना नहीं चाह रहे, जिम्मेदारी से बिल्कुल भाग रहे हैं। जब दिल्ली को सांस की जरूरत थी तो इनके पास सांस नहीं, जब दिल्ली को पानी की जरूरत है तो इनके पास पानी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, ये टैंकर माफिया आधे लूट के ले जाते हैं, लेकिन आज ये लोग खुद टैंकर माफियों के सरगना बने बैठे हैं और पानी दिल्ली की जनता, पानी की कमी नहीं है दिल्ली में, टैंकर माफिया लूट रहे हैं। नहीं होगी तो फिर हो सकता है जनता को नहीं देना चाह रही हो, जनता को ना देना चाह रही हो आप। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आपके माध्यम से सिर्फ सच्चाई दिखाओ, जो सही दिखा रहे हैं राजनीति दोनों तरफ से। देखो ये सामने मंदिर बैठा है, जो झूठ बोल रहा है वो फंसेगा, जो सच्चाई बोल रहा है वो जीतेगा। दोनों तरफ से हो रही है, मर आम जनता रहा है। मैं क्या हकीकत बताऊँ, मेरे घर में खुद 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, आप बताइए। हेलो, यही मैंने आपसे कहा कि अगर पानी नहीं आ रहा है तो बीजेपी वाली कांग्रेस जो भी है सब एक साथ मिलके उनकी समस्या का समाधान करें, ना कि मटके फोड़े। सर से पूछना चाहता हूँ, फिर सरकार क्यों बनी, दिल्ली सरकार क्यों बनी है? दिल्ली अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठने से पानी मिल जाएगा? आज मिल गया, कुदरत ने दे दिया, आज दे दिया कुदरत ने पानी, इतने लोगों ने वो पीने का पानी ऑब्जर्व किया, कुदरत ने दे दिया है। इनसे पूछिए, ये कुदरत के पानी को भी स्टोर नहीं कर पाएंगे सर, कुदरत के पानी को भी स्टोर नहीं करेंगे ये। सुनिए सुनिए, 70 में 62 विधायक दिल्ली वाले इसलिए नहीं चुनते, उनके भरोसे हम बैठे रहे। सर क्या बाढ़ में पंजाब में भी आए हैं, बाढ़ में पंजाब में भी आए हैं, आप इस बात को मत कहो। लेकिन बात ये है, मेरा मतलब है अगर दिल्ली या देश में कोई समस्या है सब मिल के करो, एक दूसरे की टांगे मत खींचो। पंजाब और आप जो है हिमाचल से भी पानी ले सकते हैं, पानी ज्यादा आ जाए तो दिल्ली को परेशानी, तो ये केंद्र पे आरोप लगाते हैं। दिल्ली ने देखा है किस तरह से बाढ़ का माहौल, और जब पानी ना हो तो ये केंद्र पे डाल देते हैं। अरे अंकल जी एक बात बताओ, मंत्री को पानी के लिए काम करना चाहिए या अनशन करना चाहिए, उनको अनशन करना चाहिए या पानी का समाधान? मंत्री माफियाओं पे, टैंकर माफियाओं पे एक्शन लेने की जगह खुद अनशन पे बैठी हुई है। बिल्कुल, इनका काम यही है टैंकर माफियों को फैला देना और पानी का जो लीकेज है ना उसको बंद नहीं कर रहे, बर्बाद हो रही है पानी का। इन्हें तो अपने ही नेता को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारा नेता सत्येंद्र जैन को बचाने पे लगे। पानी लीकेज हो रहा है, जल मंत्री को ध्यान देना चाहिए ना, हमसे ज्यादा नॉलेज आपको है, आप ये देखिए। नहीं है, आप उम्र में बड़े, हमें नहीं हो सकती, उम्र में बड़े हम सिर्फ टीवी देखते हैं, टीवी में या अखबार में जो न्यूज आती है वो देख लेते हैं। अब इन भाई को पता है कि 1000 लीटर पानी आ रहा है, हमें तो ये भी नहीं मालूम है। अब इन भाई को पता है कि स्कूल गंदे हैं, बाथरूम गंदे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से क्लेम किया गया कि हम पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को पानी दे रहे हैं, दिल्ली सरकार टैंकर माफिया वहाँ पानी का मिसयूज कर रही है, पानी लीकेज हो रहा है, दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। आप लगा रही है उन पे आरोप, आप उन पे लगा रही है कि वो लीकेज कर रहे हैं, उन्होंने पूरा चेक कर लिया, लीकेज नहीं है। हमने टीवी में देखा ना, एक भैया ने बहुत बड़ी बात कही थी, ये जो है ना सेंट्रल पुलिस उन किसके अंडर में करा दे इंक्वायरी, एक मिनट में रुकवा दे, अगर कहीं लीकेज हो रहा है फौरन पकड़ ले उनको, फौरन फोटो खींच के अरे करो ना। पुलिस तो ड्यूटी पे लगी हुई है, पुलिस को तो लगा रखा, पाइप में जा रहे हैं वही तो। अरे पता कैसे चला सर, इसी से तो पता चला कि लीकेज है, जब पाइपों की जांच हुई तो पता चला कि इतने पानी की तो बर्बादी हो रही है, और वो बर्बादी कहाँ, वो टैंकर माफियों को सप्लाई हो रहा है, वो सप्लाई अपना 3000 रुपए ले रहे हैं, जिससे 1500 रुपए लेने, जिससे 2000 का, ये धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है। पुलिस सेंटर के पास है, क्यों नहीं पकड़ती? 70 में 62 विधायक दिल्ली वाले इसलिए नहीं देते कि सरकार बनने के पहले दिन से ही आप आरोप लगाते रहते हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहा, शराब में तो एलजी ने कहीं रोका नहीं, एक पे एक फ्री जवाब दे रहे थे। अगर कोई आदमी आपको रोक लेगा, हटो जी हटो, आप करोगे? यही चीज है, रोक रहा है कोई भी, रोक रहा है बेटा, ये आप देखो कौन रोक रहा है, मुझे नहीं मालूम है। मैंने आपको साफ कह दिया, मैं टीवी और अखबार के माध्यम से जो देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद पीछे की सच्चाई क्या है, 700 गैलन पानी आ रहा है, 1000 आ रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। बस मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सबसे कह रहा हूँ अगर जनता प्यासी है तो सब मिल के हेल्प करो, मेरा एक ही बात है। कौन राजनीति कर रहा है? देखिए राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, मगर जो सबसे ज़्यादा राजनीति मैं देख रहा हूँ वो हो रही है आपकी तरफ से, क्योंकि आपके पास क्या सिर्फ पुलिस ही तो नहीं है और एक आध चीज और नहीं है, बाकी तो सारी चीजें हैं उनके पास जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को होनी चाहिए। एमसीडी में भी आप हो तो आपके पास दिक्कत क्या, आपको रोकने वाला कौन है? जब स्टेट में आप हो, एमसीडी में आप हो तो क्यों, क्या दिक्कत है? से भाग रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। अगर जिसको काम करना होता है ना
वो अगर उसके पास जिम्मेदारी भी कम होती है तो भी करते हैं। केजरीवाल ने अपने पहले टर्न में 42 दिन में ये करके दिखाया था। मैं वही वोटर हूँ जिसने केजरीवाल को पहली बार भी चुनाव में लेके आया था, पहला वोट लेके, मगर जब भाई साहब अपने काम से छुट्टी करके मोदी जी के पास चले गए बनारस में लड़ने के लिए, ठीक है, मेरा विश्वास उन पे से उठ गया। मैं क्या करूं, मतलब दोगला बना तो उन्होंने उसी दिन से दिखाना शुरू करा। उसके बाद हर चीज के अंदर अब मोदी जी को ले आते हैं बीच में कि भैया मोदी जी जो है हमारे को ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। उन्होंने कोई तुम्हारे को कहीं रोक रखा है? कहीं नहीं रोक रखा। अनशन पे बैठने का इनका पुराना फैशन है, क्योंकि केजरीवाल जी ने सीखा है अपने पिताजी से जो है दास आरे जी, उन्होंने बैठना था अनशन पे कांग्रेस के टाइम पे, उन्होंने सबको सिखा दिया। आजकल का नया ट्रेंड बना दिया कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जाए, हम तो अनशन करेंगे। अनशन पे बैठने से दिल्ली वासियों को पानी मिल जाएगा क्या? मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हरियाणा पानी रोक नहीं रहा। पंजाब में सरकार आपके भगवंत सिंह मान आपके पास है, आप वहां से पानी ले लो। दिल्ली के अंदर पानी का रोकने का कोई प्रस्ताव है ही नहीं। हजार क्यूसेक पानी तो बीजेपी दे रही है दिल्ली को, वो सिर्फ इस वजह से ये आगे नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई कल को जो है ये आते ही जैसे लोग ये उसकी चोरी करेंगे, धांधली करेंगे, सबको पता ही, पब्लिक डोमेन में है ये चीज। तो अब इसके अंदर आप चाहे किसी को भी गलत कह लो, किसी को भी सही कह लो, धोखला बताओ कौन कर रहा है वो तो सबके सामने है, ठीक है। यही दिल्ली सरकार है, यही इनके मंत्री और नेता है। जब राव जवेनी कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है तो सत्यमेव जयते कहते हैं न्यायालय में हमारा भरोसा बढ़ गया है, न्यायालय निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। आज अगले ही दिन जब हाईकोर्ट में यह केस जाता है और हाईकोर्ट स्टे कर देता है, रोक लगा देता है फिलहाल जमानत देने से, कहते तानाशाही मोदी जी की चल रही है, ये तानाशाह सरकार है। सर ये वही बात है, फिर से कहूँगा कि अपने जैसे जब इंसान के अपने मन की होती है ना तो वो कहता है कि चल यार बहुत अच्छा और है, बहुत सब कुछ मिल रहा है, सही है, ऐसे ही होना चाहिए। जब इंसान को अपने मन की कहीं पे एक पॉइंट पे नहीं मिलती ना, वो दुखी हो जाता है, एहसास हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड होके वो दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहूँगा कि हमारे थोड़ा सा जो जुडिशरी सिस्टम है इसमें एक ये थोड़ा सा हमारे को प्रावधान करना पड़ेगा इस चीज़ का कि गुनहगार को गुनहगार तब तक नहीं माना जा सकता जब तक उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हो गए। केजरीवाल जी पे आज तक भी कोई गुनाह साबित नहीं है, खाली सबूत मिले हैं। सबूतों के आधार पे आप शक कर सकते हो, पर क्या आप उन्हें गुनाहगार साबित कर सकते हो? अभी अगर गुनाहगार साबित होते तो उन्हें जमानत नहीं मिलती। फिलहाल हाईकोर्ट से भी जमानत मिलती हुई तो नहीं दिख रही है, रोक लगा दिया गया। अभी मेरे को शाम तक तो पता नहीं रोक लगाया, पर जो सुबह अखबार में मैंने पढ़ा था जो समझ में आया था वो यही था कि जमानत तो दे दी है। उसके बाद के इंसिडेंट में क्या हुआ है वो मुझे कहां से आई है? हम लोग अंबाला से आए हैं। अंबाला का क्या स्थिति है पानी को लेकर? भीषण गर्मी पर बहुत अच्छी है वहाँ पर पानी। हाँ पानी अच्छा है वहाँ पर। दिल्लीवासी पानी के लिए तड़प रहे हैं, यहाँ कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इसलिए तड़प रहे हैं ना क्योंकि केजरीवाल ने फ्री किया है, तो फ्री करेंगे तो पानी बहाएंगे लोग, फ्री में बहाएंगे पानी, बिल आएगा तो कम से कम संभाल के बरतेंगे, तो फ्री में तो लोगों को टूटी नहीं लगना है ना। मिसयूज किया है, मिसयूज किया है लोगों ने, तो इसीलिए तो किल्लत है, वही भुगत रहे हैं। हमारे तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हमारा तो बीजेपी का है, बहुत बढ़िया है हमारा तो। आप लोग फ्री पे भरोसा नहीं? नहीं, फ्री पे भरोसा क्यों करना? नहीं बिल्कुल नहीं, फ्री तो बंदे को निकम्मा कर देती है, निकम्मा कर देती है फ्री चीज तो। फ्री बिजली भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बिल आएंगे सब कुछ आएंगे तभी तो हमारे देश का विकास होगा। अच्छा, हमारा देश तभी तो विकास करेगा। केजरीवाल तो डीटीसी बस महिलाओं के लिए फ्री कर रखे। केजरीवाल ने तो बहुत कुछ किया, केजरीवाल ने तो शराब घोटाला किया, लोगों को शराब के नशे में डाला, बच्चों को घर के घर बर्बाद कर दिया उसने शराब में। लेकिन अंबाला में ऐसा नहीं है, अंबाला बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरियाणा में बहुत बढ़िया, हमारा बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। भजनलाल शर्मा जी अभी अच्छा कर रहे हैं हमारे, बहुत बढ़िया। हमारे अनिल विज जी हैं, हमारे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए। देखिए मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या होता है जब कोई चीज़ फ्री की मिलती है ना, चाहे वो कहीं भी हो, लोगों को उसकी कदर नहीं होती। और दिल्ली में यही हो रहा है कि लोगों को इतनी फ्री की आदत पड़ गई कि अब उसकी कदर खत्म हो गई। चाहे वो आप बस देख लो, चाहे वो आप पानी का देख लो, चाहे आप मेरे को एक बार बताओ, जहाँ पर पहले 18 साल 21 साल एक उम्र होती थी शराब पीने की नौजवानों की, आप उसे अपने कोरोना के चक्कर में, अपने टैक्स वगैरह एक्साइज वगैरह को बचाने के चक्कर में और वो सब के चक्कर में आपने उम्र घटा दी 18 साल।
कहाँ से हैं? राजस्थान, राजस्थान से। युवा लग रहे हैं, क्या राजस्थान में क्या समस्या चल रहा है? राजस्थान में तो कोई समस्या नहीं है, बढ़िया है, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है? वापस बीजेपी आ गई, बढ़िया है। पहले कांग्रेस थी तो थोड़ा सा दिक्कत थी, अब बीजेपी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब कुछ। बढ़िया है। रोजगार, रोजगार वगैरह भी सब बढ़िया है, अगर मेहनत करेंगे तो मिलेगा रोजगार, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। राजस्थान का युवा नाराज है रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो मिल रहा है रोजगार आराम से। आप जाओ इंटरव्यू वगैरह दो, आप में काबिलियत तो नहीं चाहिए तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बोलने ही नहीं आता है तो आपको कहाँ जॉब मिलेगी? अच्छा, ये फ्री का स्कीम जो दिल्ली में इस वक्त चल रहा है, अब धीरे धीरे पूरे देश में ये शुरू हो गया है, कैसे देख रहे हैं जो फ्री का जो चीज़ें है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, ये क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से फ्री देखो हो सकता है ना, गरीब होते हैं उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन जो कमा रहे हैं उनके लिए भी अगर फ्री करते जाएंगे तो फिर देश तरक्की कैसे करेगा? देश पे बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिक्स है। जैसे कि मेरे को पता नहीं, एक्चुअली मैं भी दिल्ली आया हूँ घूमने, तो मेरे ऐसे सुनने में आता है केजरीवाल जी ने यहाँ पे स्कूल वगैरह अच्छी बना रखी है, मेट्रो वगैरह औरतों के लिए, बिजली वगैरह बहुत सारी चीज़ें फ्री कर रखी है, बट उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सुनने में आई कि उनके बहुत प्रेशर आया, फिर पैसों के भी मतलब जैसे कि उन पर, जैसे दिल्ली पे पहले जो है पैसों का बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका है, ऐसा सुनने में आया था मेरे।